हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग ट्रैप डॉट इन के ऊपर। आज हफ्ते का लास्ट दिन और निफ्टी इंडेक्स 91 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है। अच्छे खासी 2-3 दिन हमें तेजी देखने को मिल रही थी निफ्टी में, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि निफ्टी यहाँ पर लाल निशान में बंद हुआ। तो अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि एक बिलियनियर है जॉर्ज सोरोस, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर से एक बार भारत के ऊपर अटैक कर दिया है। तो ये विदेशी लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है आजकल भारत के ऊपर। तो ये जॉर्ज सोरोस जो कौन है, इसके बारे में आप सर्च कीजिए, इनके काम क्या है, उसके पीछे इनका असली मकसद क्या होता है, वो आपको सब पता चलेगा। इनकी वाइफ है, चाइनीज़ है। तो ये साहब जो है कई देशों को बर्बाद कर चुके हैं, वहाँ की सरकार गिरा चुके हैं, बदल चुके हैं, और वहाँ पर कई सारे देशों में, खास करके अफ्रीका के देशों में, अस्थिरता लाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो ये साहब करते कुछ और है और इसके पीछे इनका मकसद कुछ और ही रहता है। तो आप सर्च करेंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में आपको दिखाई देगी। अभी हिडनबर्ग का रिपोर्ट हुआ, अभी ये भी एक विदेशी है, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है भारत के ऊपर। तो ये सब अभी लोकसभा के जो 2024 के इलेक्शंस है, इसके पहले ये सब बहुत कुछ चलते रहने वाला है और मार्केट भी हमें काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिलेगा। तो ये साल थोड़ा इस तरह के अटैक से आपको क्या प्लानिंग करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो ये सब ध्यान में रखते हुए मार्केट में निवेश करें। और जैसे ही कोई बड़ी गिरावट या फिर आती है, अच्छा खासा डिप मिलता है, तो वहाँ पर फिर से एक बार आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इनके बारे में थोड़ा सर्च कर लीजिए, ये कौन है, इन्होंने ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्यों कहा, आपको सब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी आज इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिटेलिएट किया है, जो भी इन्होंने बताया है भारत के बारे में। तो ये था न्यूज़ आज की। अभी चलते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी देखे तो गैप डाउन ओपन हुआ था, ऊपर आने की कोशिश की लेकिन फेल हुआ, दोबारा से जब नीचे गया, ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट इजीली अचीव हुआ। अभी मंडे के लिए क्या प्लानिंग हो सकती है वो देखते हैं, लेकिन वीकली और डेली चार्ट को एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो पहला वीक खत्म हो चुका है तो वीकली चार्ट को देख लेते हैं। वीकली चार्ट में जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये जो ब्लू लाइन है, इसने पास्ट में सपोर्ट का काम किया था, वापस एक बार इसने यहाँ पर सपोर्ट का काम किया। तो ये जो कैंडल बनी थी आप देख सकते हो, उसका लो जो है एग्जैक्ट ब्लू लाइन के पास टच करके यहाँ से बाउंस बैक हुआ। इसी लेवल के पास रिट्रेसमेंट लेवल 61.8% का आ रहा था, ठीक है, तो 61.8% के लेवल के पास से ये बाउंस बैक हुआ है। और वीक खत्म होने के बाद क्लोज देखिए कहाँ पर किया है, ये जो पिंक लाइन है इसके ऊपर आके क्लोज किया है, लेकिन बुलिश कैंडल नहीं है। यहाँ पर देखें तो मॉडरेट कैंडल बनी हुई है, ज़्यादा स्ट्रांग बुलिश नहीं है। तो थोड़ा वेट करना होगा इस रेड कैंडल को, ये बजट वाला कैंडल था, इसके ऊपर जैसे ही क्लोज करें 18,200 के ऊपर, तो हमें एक अप ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो वीकली चार्ट का ये फिलहाल सिनारियो है। पॉजिटिव बात यह है कि पिंक लाइन के ऊपर 20 EMA के ऊपर वीकली चार्ट में क्लोज दिया है। डेली चार्ट को अगर देखें तो जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे, ये ब्रेकआउट दे दिया इसने ब्लू लाइन का और ऊपर गया था, लेकिन ये जो यहाँ से फॉल जो आया था 24 जनवरी को, तो यहाँ पर ये जो 18,200 है एक सेलिंग जोन है यहाँ पर। तो हो सकता है ये रीटेस्ट करे 20 और 100 EMA के क्लस्टर को, यानी कि ये ऊपर गया, नीचे आया, सपोर्ट टेस्ट किया, फिर बाउंस बैक करे। क्योंकि अगर RSI में देखे तो राइजिंग W पैटर्न बना है इस तरह से, हमने लास्ट 2-3 वीडियो में डिस्कस किया था इसे। तो ये आज जो खबर आई थी, नेगेटिव खबर थी, उसके कारण मार्केट में फॉल हमें देखने को मिला है। तो हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक करे, अगर ये सपोर्ट टूट जाता है अराउंड 17,900 के आसपास का ये सपोर्ट टूट जाता है, तो हमें फिर से एक बार यहाँ से साइड टूवर्ड्स साउथ की तरफ एक मूव देखने को मिल सकती है। तो अभी चलते हैं 60 मिनट की चार्ट के ऊपर, मंडे के लिए क्या हमारा लेवल्स हो सकता है। तो ब्रेकडाउन लेवल तो हमारा ये जो ब्लू लाइन है 17,912, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट अभी बनेगा अराउंड 17,889 का, और सेकेंड टारगेट बनेगा अराउंड 17,869 का। टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ आता है तो ये पिंक लाइन को ब्रेक करने दे कम्प्लीटली, यानी हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा 17,984। फर्स्ट टारगेट बनेगा तभी अराउंड 18,003 और सेकेंड टारगेट होगा 18,022। तो ये है हमारा निफ्टी का।
लेवल्स इंट्राडे के लिए मंडे, और बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में तो वन वे टूवर्ड साउथ की तरफ एक मूव देखने को मिला, लेकिन आप देख सकते हो ये जो बड़ी कैंडल बन रही थी रेड कैंडल, उसके बाद फिर ये रिकवर हो रहा था, फिर से ये रिकवर होके ऊपर की तरफ जा रहा था, आधा कंटिन्यू फॉल हमें नहीं देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर जो भी सेलिंग करके चलते हैं, शॉर्ट सेल करके चलते हैं, उनको अच्छा खासा यहाँ पर एक बड़ा पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से ये बड़ी कैंडल बन रही थी, उसके बाद मार्केट साइडवेज पैटर्न में चला जा रहा था। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर भी है एक बड़ी कैंडल और उसके बाद साइडवेज पैटर्न, इस तरह से मार्केट आज कुछ देखने को मिला, साइडवेज टू डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पर अभी मंडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं बैंक निफ्टी में, इसके लिए 60 मिनट की चार्ट को एनालिसिस करेंगे। ये 60 मिनट का चार्ट अभी मंडे के लिए हमारा ब्रेक डाउन लेवल होगा अराउंड 41,020, फर्स्ट टारगेट का लेवल बनेगा अराउंड 40,942 और सेकेंड टारगेट का लेवल होगा 40,862। टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा अराउंड 41,216, क्योंकि आप देख सकते हो इस लेवल पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया था 4-5 दिन पहले, तो ये हो सकता है रेजिस्टेंस का काम करे। तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 41,274 और सेकेंड टारगेट होगा 41,337। तो यह है निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आप हमारे बैंक निफ्टी और स्टॉक ऑप्शंस के चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।